हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं एंड प्रोफाइल क्या है, उसके बाद प्रोफाइल की जो है सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा के उसके बाद जो एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने, सारा कुछ हम इसमें फुल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अगर उससे पहले अगर आप ये एजुकेशन चैनल पर नए हो तो ये एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको आते रहे और आप गवर्नमेंट जॉब जो कोई भी है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन में, देखते हैं क्या है। ये देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आप इस पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं ssc.uk.gov.in पे। इसमें पेयजल, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अंतर्गत जूनियर इंजीनियरिंग सिविल डिपार्टमेंट सिविल ब्रांच के लिए निकली हुई वैकेंसी दोस्तों, 121 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 3 मार्च और 2 मार्च 2 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, उसके बाद जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लास्ट डेट है अप्लीकेशन जो फ़ी है उसको भरने का 4 अप्रैल, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेपर हो सकता है, बट मोस्टली जो है ऑफलाइन होगा इसमें, ओएमआर सीट पे होगा तो ऑफलाइन होगा बट ऑनलाइन भी हो सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ देखिए, आप जो है पदनाम है सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है जेई की पेयजल डिपार्टमेंट में, वाटर डिपार्टमेंट में, राइट। इसमें 121 वैकेंसी है जिसमें देखिए यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है, जो सामान्य के लिए 67 है उसके लिए और रिजर्वेशन है, राइट, रेस्ट ऑफ रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर जो है 44,900 से स्टार्टिंग है, 142,400 तक है सैलरी, प्लस अलाउंसेस मिलेंगे आपको 7th लेवल का, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें, ये परमानेंट जॉब है। और तीन इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए, राइट, 3 ईयर का। और इसमें जो है जो लिखित परीक्षा में जो सेम रिजल्ट आएगा जिसका, तो उसके बाद क्या होगा आपका, जिसका एज ज़्यादा है वो कंसीडर किया जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा। और ये 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा दोस्तों, 2 घंटे का आपका पेपर होगा इसमें और निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा इसमें, राइट। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है, जो सामान्य वर्ग के लिए उनके लिए कट ऑफ जो है 45% है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% है, राइट। ओएमआर सीट पे होगा ये पेपर ऑफलाइन। आयु दिया हुआ है 21 से 42 वर्ष, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीयता, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक का उसके बाद इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं फॉर्म, ऑनलाइन फिल करोगे जिसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन जो लेफ्ट हैंड थंब चाहिए आपको, ये नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, जिसमें कि जेंडर के लिए 300 है, राइट, एंड जो एससी के लिए 150, एसटी के लिए 150 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 150, राइट, ये है। और दोस्तों आप फॉर्म फिल कीजिए, इसका एग्जामिनेशन जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, सो ऑल द बेस्ट। इसका ब्रीफ डिस्कशन था और इसमें लास्ट डेट है आपका 2 अप्रैल तक फॉर्म फिल करने का, 75 वैकेंसी है, सैलरी अच्छी खासी है, राइट, अराउंड आपका सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है 142,400 तक है, 44,000-45,000 के स्टार्टिंग में सैलरी मिलेंगी प्लस अलाउंसेस मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ताकि वो भी देख पाएँ, राइट। और इस तरह का और नोटिफिकेशन पाने के लिए ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।